नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय एमडी मोबाइल अजमेर। जिला परिषद सदस्य की नामांकन प्रक्रिया हुई समाप्त। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने नामांकन। पोस्को एक्ट में गिरफ्तार आरोपी कोविड-19 वार्ड की खिड़की तोड़कर हुआ फरार, पुलिस जुटी जांच में। एविनल के प्रबंध निदेशक बीएस भाटी ने पुष्कर में स्मार्ट मीटर योजना का किया शुभारंभ। देश में सद्भावना और एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए चूरू के ठाकुर शमशेर खान ने शुरू की दांडी यात्रा। और उर्दू दिवस के मौके पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, वहीं इंजीनियर कॉलेज के स्टाफ ने सैलरी की करी मांग। रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपोड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए, MI का फोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। जिला परिषद अजमेर और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में प्रक्रिया अब रंगत में आने लगी है। दोनों ही प्रमुख दलों के उम्मीदवार खुलकर सामने आने लगे हैं। नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को कई राजनीतिक खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी जताते हुए नामांकन किए। पूर्व जिला प्रमुख रही सुशील कुमार पलाड़ा ने आज वार्ड 14 से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अपना नामांकन ADA में भरा। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पुखराज पाड़िया, पलाड़ा के पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने जिला परिषद सदस्य का नामांकन भरा है, इसके लिए हमारे जो पार्टी का जो आदेश है वो मैं पार्टी के आदेश की पालना करती हूँ और जो पार्टी का निर्णय होगा वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व है। इस बार चुनौती क्या रही है आपकी? क्या इस बार चुनाव में चुनौती क्या रही है? विचार साहब का पहले के नाम अच्छा था, इस बार और अच्छा कैसे रहा? देखते, वो तो समय बताएगा। वो तो क्या है, हमारी पार्टी BJP जो जिला प्रमुख बनेगा, कोई भी जो हमारी पार्टी निर्णय करेगी वही जिला प्रमुख बना। अगर आगे भी हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हम हर गांव का, हर पंचायतों का विकास कराएं, हमारी यही मजबूरी।
जबकि वार्ड नंबर 30 से राजेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया। रावत पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में से शुमार है। पहले वे भाजपा में रहे और जिला परिषद के सदस्य भी रहे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह वार्ड नंबर 32 से पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे। जिला भाजपा देहात के पूर्व महामंत्री और वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने भी नामांकन भरा। बाकी रुक जाओ, अरे वो प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव रसीद यहाँ कटेगी जांच अब्दुल हकम अली अब्दुल हकम अली ये तो सर पहले से प्रस्ताव है। आ जाओ आयो जनजा भाई साहब आपको बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग करें इसी प्रकार बना और जब तालमेल सही बैठेगा सरकार और जनता की बात आपस में एक दूसरे को कहने में भी कोई कमी नहीं रहेगी। हम सब लोग बढ़िया माध्यम से काम करने की कोशिश। मैंने जिला परिषद के वार्ड नंबर 30 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। क्या कहना चाहूँगा? देखो पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से इसी वार्ड से 2010 से 15 तक जिला परिषद सदस्य था और 5 साल के कार्यकाल में मैंने लोगों की इतनी सेवा की, चाहे गरीब गांव किसान सबके लिए, और जिला परिषद में सबसे ज़्यादा आवाज़ मैंने उठाई तो लोग मेरे काम से संतुष्ट थे। उनकी वापस सब लोगों की इच्छा थी कि मैं वापस उनका प्रतिनिधि बन करके इस जिले की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके उनकी सेवा करूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट वितरण जो हुआ उसमें जो योग्य और कार्यकर्ता थे जो आगे बढ़ सकते हैं, जो अच्छे एक नई लीडरशिप डेवलप हो सकती है, उन लीडरशिप को मेरे अकेले कोई नहीं, जो जो भी योग्य और आगे डेवलप होने वाले कार्यकर्ता थे उनको सबको दबाया गया, उनके सबके टिकट काटे गए। तो फिर मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को कहा कि आपको कांग्रेस पार्टी से जाकर के सदन में बैठना चाहिए और हम लोगों की बात हमें रखनी चाहिए और हमारी सेवा करनी चाहिए। तो मैं उनकी सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस से उम्मीदवार बन करके 30 नंबर से मैंने नामांकन रखी है। क्या कारण क्या रहा वैसे आपका टिकट कटने? मैंने आपको बताया ना कि कारण ये है कि कई बार लोगों का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लगता है कि यार कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए। तो ये एक भावना जब पैदा हो जाती है किसी नेता में तो वो अपने नीचे किसी भी रूप में कोई भी लीडरशिप नई जनरेशन को डेवलप नहीं होने देता। ये कारण रहा। इस कारण से मेरे अलावा और भी कई साथी थे बीजेपी में जो योग्य थे और जनता में जिनकी मांग थी, जिन्होंने जनता की सेवा की, पहले जनप्रतिनिधि रह चुके थे, उनके भी टिकट काटे गए। और टिकट का एक आधार भी ये बनाया गया कि या तो उनका कोई रिश्तेदार हो, परिवार का सदस्य हो, इस बात को लेकर के इन्होंने टिकट वितरण किया। लोगों में तगड़ा आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति तगड़ा आक्रोश है और ये आक्रोश मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि मतदान के रूप में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके जनता दिखाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा कौन सा नेता है जिसने आपका टिकट काटा? देखिए मैंने जब टिकट की बात हुई तो मैंने प्रदेश आलाकमान तक भी मैंने बात करने का प्रयास किया, संपर्क करने का प्रयास किया। मैंने कहा भाई मैं जनता की मांग है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो वो चाहते कि एक जीतने वाला कैंडिडेट को सब चाहते जीतने वाला हो। जब मेरी वार्ड के अंदर मेरी डिमांड थी, लोग कह रहे थे, लोग मांग रहे थे मेरे लिए टिकट की, इनको भेजो आप, इनको टिकट दो, ऐसा नेता हमारे जिला परिषद में होना चाहिए। उसके बावजूद भी जब टिकट का मुझे नहीं मिला तो मैंने आलाकमान से बात की तो वहाँ एक ही जवाब मिला कि विधायक ही सर्वे सर्वा होता है। कौन से विधायक है? हमारे पुष्कर विधानसभा लगता है। सुरेश रावत जी? जी पुष्कर विधानसभा लगता है। तो मैंने जब आगे बात की तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, विधायक ही सर्वे सर्वा होता है, विधायक ने जो किया होते हैं। तो फिर मेरे पास जब सारे दरवाजे बंद हो गए और मन में एक जज्बा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो एक प्लेटफॉर्म
के माध्यम से ही सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने उचित समझा, मेरे कार्यकर्ताओं से सलाह करके, तो कार्यकर्ताओं ने मुझे सलाह दी कि आप कांग्रेस पार्टी के मंच से हमारी सेवा करो और उनकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। 2010 से 15 का जो कार्यकाल लोग याद करते हैं, और अब मैं वापस वादा करता हूँ कि क्षेत्र की जनता याद रखेगी कि हमारा कोई जिला परिषद का सदस्य है। और इस 32 जो वार्ड हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई मांग रखेगा, सबसे ज़्यादा कोई अगर आवाज़ उठाएगा, तो मैं 30 नंबर से राजेंद्र सिंह रावत। पंचायत राज के चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 वार्ड के उम्मीदवारों के यहाँ नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन से पिछले 2 साल से कांग्रेस के शासन में पूरे राजस्थान में मेरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को देखते हुए मेरे 6 के 6 जो जिला परिषद के साथी वो चुनाव जीत के आएंगे। दोनों पंचायत समिति में प्रधान कांग्रेस के बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने, मैं जब वहाँ पे विधायक बना उससे पहले नरेगा की हालत बड़ी गंभीर थी। नरेगा में पिछले साल भी 68,000 आदमियों ने वहाँ पे काम किया और गाँव के अंदर बहुत उत्साह है। और ये हमारे 14 नंबर से हैं माता जी, और सारे इस ढंग से 36 ही कौम के लोग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जाट हैं, गुजर हैं, प्रजापत हैं, SC हैं, मोमडन हैं, हर समाज के लोगों को वहाँ पे टिकट वितरण हुए हैं। पोस्को एक्ट में गिरफ्तार आरोपी कोविड-19 वार्ड कायड में न्यायिक अभिरक्षा में था, जो आज अलसुबह खिड़की तोड़कर फरार हो गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि पोस्को एक्ट में गिरफ्तार भिनाई निवासी सावनलाल, जिसे भिनाई थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट में गिरफ्तार किया था, जो बीती रात कोविड-19 वार्ड में न्यायिक अभिरक्षा में था, आज सुबह खिड़की तोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए नाकाबंदी की गई, मगर खबर लिखे जाने तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक VS भाटी ने पुष्कर में स्मार्ट मीटर योजना का शुभारंभ किया। भाटी पुष्कर में अजमेर बाईपास रोड स्थित 33 KV विद्युत कार्यालय में कनेक्शन शिविर का भी निरीक्षण किया। दिवाली का पर्व है, इसलिए पूरे अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में डोमेस्टिक कनेक्शन रिलीज करने का कैंप लगा रखा, और सभी जगह हमारे कर्मचारी उसको कनेक्शन देने के लिए कर रहे हैं काम। ऐसे में पुष्कर में भी एक कैंप लगाया था, तो हमारी भावना थी कि हम लोग इस कैंप को भी अटेंड करें। और साथ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, उन लोगों ने आज स्मार्ट मीटर पुष्कर में लगाने का पूरे अजमेर डिस्कॉम में सबसे पहले यहाँ शुरू किया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर।
अभी चूँकि बिल्कुल नए नए हैं मीटर, तो इसकी पूरी अभी जांच की जाएगी, स्टडी की जाएगी। एक शुरुआत के तौर पर इन्होंने आज 5 मीटर लगाने की कोशिश करे, फिर हमारी टीम इस 5 मीटरों की स्टडी करेगी, उसमें कोई दिक्कत या खामियाँ होगी उसको इनको बताएगी, और जो अच्छा काम होगा तो उसके हिसाब से इनको अप्रिशिएट भी करेंगे। स्मार्ट मीटर जो लगाने का एक प्रोजेक्ट है, वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में साथ के अंदर ये किया हुआ है कि जो स्मार्ट मीटर है वो एक तरह से मीटर आप कंज्यूमर से बात करता है। आपके अगर कहीं पे सप्लाई चालू है और आप घर छोड़ के चले गए तो आपको अलार्म करेगा। आप पर डे कितने यूनिट्स काम में ले रहे हो ये बताएगा। आप अगर जितने भी यूनिट का बिल जमा कराना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। कितनी वोल्टेज आपके यहाँ पे आ रही है वो भी होगी। और साथ में निगम भी अगर ये चाहेगा कि आपने अगर बिल जमा नहीं कराया तो ऑनलाइन वो वहीं से सिस्टम को के द्वारा आपके मीटर का डिस्कनेक्शन भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह है कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इससे सभी का फ़ायदा, उपभोक्ताओं का भी फायदा है और निगम का भी फायदा है। हम लोगों को ये पता होता है कि मेरे 300 यूनिट बिजली कंज्यूम हो चुकी है इस महीने में, तो मैं कम बिजली काम में लूँगा या बचत करने की कोशिश करूँगा। मुझे पता ही नहीं है 2 महीने बाद जब बिल आएगा तब पता लगेगा 6000 रुपये का बिल आ गया। ऐसा नहीं है, इसके अंदर रोज़ ये बताएगा आपने आज कितने यूनिट का कंजम्पशन किया है और अब तक इस महीने में आपकी कितने यूनिट की बिजली क्या खपत हो चुकी है। तो अच्छी एक पहल है। अभी जैसे जैसे ये WSL वाले करेंगे काम, इस बारे में आपको फीडबैक बहुत जरूरी। यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आ गया ठाकुर शमशेर खान ने शुरू की दांडी यात्रा। देश में सद्भावना और एकता अखंडता को कायम रखने के लिए चूरू के ठाकुर शमशेर बालू खान दांडी यात्रा पर निकले हैं, जिसके तहत आज वे अजमेर पहुंचे। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पेशे से ठाकुर शमशेर बालू खान टीचर हैं, जिनका उद्देश्य देश में सद्भावना के साथ साथ मदरसा पैरा टीचर को नियमित करने और प्रदेश में तृतीय भाषा को मान्यता देने को लेकर मांगे रखी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकुर शमशेर बालू खान ने बताया कि दांडी यात्रा 1081 किलोमीटर की है। उसके बाद जयपुर में विधानसभा के बाहर आमरण अनशन करने के लिए बैठेंगे। उन्होंने कहा कि गांधीवादी तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे और उन्हें जल्द पूरा करने की मांग करेंगे। भारत वतन जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। हमने चूरू से यात्रा शुरू की है जो दांडी तक जाएगी और ये तकरीबन 1081 किलोमीटर या इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। मेरा नाम ठाकुर शमशेर बालूखा है। मैं पूर्व विधायक बालूखा जी का लड़का हूँ, टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैदूसर में। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत में सद्भावना कायम हो, एकता और अखंडता बनी रहे और भारत के संविधान की जो मूल भावना है उस मूल भावना को हम बनाए रखें। सरकार से हमारी जो मांगे हैं वो हैं, पहली मांग है हमारा जो मदरसा पैरा टीचर है राजस्थान में, मदरसा पैरा टीचर को 3rd ग्रेड टीचर के बराबर का दर्जा दिया जाए, पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है राजस्थान में जो तृतीय भाषाएं हैं उनके बराबर हम अल्प भाषाओं को कर दिया गया है स्टाफिंग पैटर्न 2016 के अनुसार, जबकि ये गलत है। पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उर्दू ये जो भाषाएं हैं और राजस्थान में अल्प भाषाएं हैं, और 13/12/2004 के नियम के अनुसार जो कि प्रत्यारित नहीं किया गया, हमने आरटीआई से इसकी जानकारी ली है, उसके अनुसार इनको अल्प भाषा के रूप में कक्षा 1 से पढ़ाया जाए, जबकि सरकार ने इसको कक्षा 6 से कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ पे किताबें जो बच्चों की हैं वो पहली क्लास से नहीं दी जा रही हैं, 6ठी क्लास से भी बहुत कम किताबें बच्चों के पास पहुँची हैं स्कूलों में, और 1ली से 5वीं सिर्फ लिखा हुआ आता है सिर्फ मदरसा के लिए। इसके अलावा हमारी मांग है सरकार से कि हमारे 11,728 स्कूल हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के बच्चे या पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे या सिंधी पढ़ने वाले बच्चे या गुजराती पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन 11,728 स्कूलों में तकरीबन 20,000 पोस्टें बनती हैं पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू की, तो उन सभी पदों को स्वीकृत कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए और उन पदों पर भर्ती की जाए, उन सभी 20,000 पदों पर। और ये हमारी यात्रा, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि 27 तारीख तक पूरी हो जाएगी और 27 तारीख के बाद हम सीधे CM House के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे
राजस्थान के सभी जिलों से लोग आकर के हमारी इस मुहिम में, इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और हम गांधीवादी तरीके से बिना किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद किए हम गांधीवादी तरीके से मौन रूप से सीएम हाउस के सामने बैठेंगे और जब तक कि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम वहाँ से हटेंगे। उर्दू दिवस के मौके पर आज लोंगिया के मदर मेमोरियल स्कूल के अंदर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उर्दू भाषा पर विचार विमर्श किया गया और इस मौके पर सभी स्कूलों से उर्दू पढ़ाने और उर्दू के शिक्षक लगाने की मांग पर जोर दिया गया। वहीं आज उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स का सम्मान भी किया गया। आलमी यौम उर्दू मनाया गया है और इसकी वजह ये थी कि ये उर्दू हिंदुस्तानी से पली बड़ी थी लेकिन शौम किस्मत ये है कि पूरे वर्ल्ड में आज उर्दू डे मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ मुल्क से इस उर्दू को ख़त्म करने की साजिश भी की जा रही है जिसके हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उर्दू वो चीज़ है, आप यूरोप के ममालिक में जाकर देख लें वहाँ बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, शोरा हज़रात होते हैं। जापान की सरजमीन का भी हमने रिसर्च किया रिसेंटली तो हमें पता चला कि वहाँ पर 100 साल से उर्दू पढ़ाई जा रही है। तो उर्दू कोई एक मुस्लिम की ज़बान नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबको मिलाकर चलने वाली ज़बान है और उर्दू खाली मुस्लिम ही की ज़बान नहीं बल्कि पूरी कौमों की ज़बान है। और उर्दू से एक खूबसूरती ये आती है कि जब आदमी उर्दू बोलता है तो उसके अंदर मोहब्बत और मिठास पैदा होती है। तो आज इसीलिए हम आलमी यौम उर्दू मना रहे हैं और आज डॉक्टर इकबाल का दिन भी है जिन्होंने ये नगमा लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुल बोले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है। आलमी यौम उर्दू यानी कि उर्दू दिवस पूरे नेशनल के अंदर मनाया जा रहा है। आज उसी उपलक्ष्य के अंदर अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मदर मेमोरियल स्कूल के अंदर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और उस विचार गोष्ठी के अंदर उन लोगों का भी सम्मान किया गया जो उर्दू पढ़ाते हैं, जो उर्दू के व्याख्याता हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों को आज यहाँ बुलाकर उनका सम्मान किया गया। आज इस गोष्ठी का रखने का मेन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि उर्दू ज़बान जो एक बहुत ही अच्छी ज़बान है जिसको बहुत जिसके बानी सर सैयद अहमद खां गालिब जो आज सारी चीज़ें आज उर्दू की वजह से जानी जाती हैं, आज वो धीरे धीरे उर्दू का थोड़ा सा लुप्त होती जा रही है और जो नई पीढ़ी आ रही है वो उसको बिल्कुल समझने में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि उर्दू के अध्यापक उर्दू के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले लोग कम हो गए। तो ये गलतियाँ जो हैं हमसे हो रही थी, आज उन गलतियों का वापस के उर्दू की जागृति के लिए हम लोग क्या क्या किया जाए आज उस विचार गोष्ठी के अंदर हम सब लोगों ने और जितने भी लोग यहाँ आए हुए उन सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि उर्दू को किस तरह से अपन एक ज़ुबान जो है उसको मजबूती के साथ और जो स्कूल हैं जहाँ पर बिल्कुल मामला अभी थोड़ा सा किया जा रहा है तो माननीय जो महमिम हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि स्कूलों के अंदर जहाँ उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है उसमें वहाँ पर उर्दू का अध्यापक लगाया जाए। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के आगे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ ने सैलरी की रखी मांग। स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर चलने वाला एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे देखना ना भूलें। स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर चौराहा अजमेर। अब की बार जो मिले तो बस लिपटे ही रह जाएंगे, एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। इसी खूबसूरत सोच में ढला है एक अथवा बाय तनिष्क। रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई ना कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान, स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अभियांत्रिकी महाविद्यालय के स्टाफ ने आज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर अक्टूबर महीने का वेतन दिलवाने की मांग की है। स्टाफ के सदस्यों ने बताया कि महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को अक्टूबर महीने का वेतन आज दिनांक तक नहीं मिला। आगे दीपावली का पर्व आ रहा है, यदि इस माह तनख्वाह नहीं मिली तो कर्मचारी को दीपावली के पर्व पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत आज ख्वाजा गरीब नवाज और महिला एवं बाल कल्याण समिति में छोटे बच्चों के साथ रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर दरगाह थाना पुलिस द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व टीम सदस्यों द्वारा दरगाह थाने में होने वाली बैठक महिला एवं बाल अधिकार वेबिनार में भाग लिया गया। रखा गया आपके लिए ये कार्यक्रम बाल दिवस के रूप में, बाल सप्ताह के रूप में हम लोग ये पूरा सप्ते का आयोजन कर रहे हैं। उसमें अपने दरगाह क्षेत्र श्रीनगर अरई आदि जगह में पूरे सप्ते का आयोजन करेंगे। उसमें बच्चों के मूल अधिकारों के लिए हम मेन हमारा आह्वान है, जो बच्चे 0 से 18 साल तक अपने अधिकारों से वंचित है उसके अधिकारों के लिए 1098/24 कार्यरत है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज दरगाह में एक मोबाइल रिक्शे का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में पूरे दरगाह क्षेत्र में इस रिक्शे से बच्चों को अवैध नो मास्क नो एंट्री कोविड को देखते हुए जो भी है, और साथ में बच्चों के अधिकार की जानकारी के लिए एक अभियान पूरे सप्ते का हमारा चला रहे। ये चाइल्ड लाइन की जो रैली है चाहे वो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, कहाँ खत्म होगी? ये पूरा ये जो है आज पूरे दरगाह क्षेत्र रैली है, जो पूरे दरगाह क्षेत्र में हमें धान मंडी से लेकर पूरे आमावाओ केलावाओ बड़वाओ भाटावाओ पूरे अंदर को मुझे पूरे क्षेत्रों में घूमेंगी और बच्चों को पूरे। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वेटलैंड कमेटी के सदस्य महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार डॉक्टर अफरोज ने दरगाह जियारत की। उन्हें दरगाह में सैयद मुकद्दस मोइनी ने जियारत कराई और उसके बाद तबरुक भेंट किया। डॉक्टर अफरोज ने कहा कि अजमेर की झीलों को हेरिटेज झीलों के रूप में संरक्षण करने का प्रस्ताव बनाकर सेंट्रल वाटर कमीशन के पास प्रस्ताव भेजना चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए वह भी प्रयास कर सकते हैं, इससे न सिर्फ झीलें बल्कि उसके मध्य और किनारे पर स्थित सदियों पुरानी विरासतों के संरक्षण को बल मिलेगा। डॉक्टर अहमद झीलों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव बनाकर देने को कहा, जो वास्तविक रूप से बहुत ही अच्छा वेटलैंड है। देखिए ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही विख्यात संत और बुजुर्ग हैं, और यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, मेरी बहुत बड़ी खुदकिस्मती मैं मान रहा हूँ। और ख्वाजा से मांगने के लिए नहीं, ख्वाजा से अपने ख़ास तौर से उनके इज़्ज़त अफजाई के लिए अपनी हाजिरी देने के लिए मैं आया हूँ। और ख्वाजा एक ऐसे महान संत हुए हैं जिसको आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। ख्वाजा का जो योगदान है, ख्वाजा का जो कंट्रीब्यूशंस है, जो उन्होंने लोगों को नए रास्ते पर चलने के लिए, एक अच्छे रास्ते पर सच्चाई ईमानदारी भाईचारगी के रास्ते पर चलने के लिए आज से सैकड़ों साल पहले बताया, वो आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि ऐसे संतों को हर कोने में होने चाहिए, जहाँ पर लोग इंसानियत को सीख सकें, इंसानियत को जान सकें, भाईचारगी बनाने के लिए जान सकें। आज इनको पर्दा हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया आपको पूजती है, आज भी पूरी दुनिया आपको मानती है उसी इज्जत के निगाह से, क्योंकि आपने इतना बड़ा योगदान इस दुनिया में दिया है, ख़ास तौर से इस इलाके में दिया है, कि आज भी लोग दूर दराज से सभी धर्मों के लोग सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं आपको और इतनी इज्जत से नमाजते हैं कि अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ हिंदुस्तान के कोने में, जब कोई मिलता है वो किसी भी धर्म का आदमी हो, तो वो अपनी हाजिरी यहाँ देने के लिए हमेशा उत्सुकता दिखाता है और ये कहता है कि जब मैं जाता हूँ तो मेरे खुशहाली रहती है मेरे घर में। तो इसलिए बहुत बड़ा योगदान है हमारे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की पूरी जनता, यहाँ का पूरा जो समाज है, मीटिंग है, एक बैठक है जो अन्ना सागर और पुष्कर झील के ऊपर है, क्योंकि भारत सरकार की एक वेटलैंड्स की
झीलों के ऊपर एक कमेटी है, बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी है, उसका मैं सदस्य हूँ। तो उसके नाते मेरा फ़र्ज है कि इन झीलों को बचाने के लिए, इनके संरक्षण करने के लिए राज्य सरकारें, खासतौर से राजस्थान सरकार क्या काम कर रही है और आगे इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर मैं चर्चा करूँगा और इसके प्रबंधन के लिए पुरजोर मेहनत करूँगा कि राज्य सरकारें इस झील को एक धरोहर के रूप में बचा सकें, यही मेरा मकसद है। यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे इंदिरा रसोई में 250 लोगों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था। उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करने वाला कार्यक्रम जीवन चलने का नाम हर शनिवार शाम 7 बजे से स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। जीवन चलने का नाम स्पॉन्सर्ड बाय JKTMT, हमारी ताकत देश की हिम्मत, हिंद पेपर मार्ट, जिया लाल मार्ग, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता व भूकंप रोधक भी होता है, यानी पूरी तरह से हर निर्माण की सुरक्षा। हाल ही में हमने लेटेस्ट ब्लॉक मिल टेक्नोलॉजी के द्वारा TMT का उत्पादन शुरू किया, जिससे JKTMT की चमक, रिब्स फॉर्मेशन व प्रिसाइज सेक्शन वेट एवं ग्रेड और भी बेहतर हो गई है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर कदम पर क्वालिटी का अपने अल्ट्रा मॉडर्न लैब में बारीकी से परीक्षण करते हैं, जो अंत में हमारे कस्टमर्स को उच्च क्वालिटी के TMT, वायर रॉड्स व अन्य स्टील के रूप में मिलता है। देश के सभी महत्वपूर्ण सरकारी एवं प्रमुख इंडस्ट्रियल ग्रुप हमारे नियमित ग्राहक हैं और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे क्लाइंट्स हैं। JKTMT सरिया, हमारी ताकत देश की। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। श्री चंद साधवानी के जन्मदिन के अवसर पर आज उनके परिवार दीपक साधवानी सहित द स्मार्ट अजमेरियन के सदस्यों द्वारा कोरोना काल में निर्धन और पैसे की कमी से जूझते हुए लोगों को ध्यान में रखकर उनकी कुछ सहायता की भावना से आज राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड में संचालित इंदिरा रसोई में 250 लोगों को भोजन कराया। भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई, जिसमें गरीबों, मजदूरों, ई रिक्शा चालक, बाहर से आए यात्रियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक भोजन कराया गया। संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी और दिनेश शर्मा ने बताया कि आज के भोजन में दाल, सब्जी, अचार और रोटी आदि संस्था के सदस्यों ने ही सभी आने वाले लोगों को परोसकर उनकी सेवा की। द स्मार्ट अजमेरियन जो हमारी एक संस्था है, इसके माध्यम से पूरे साल भर हमारे सेवा के कार्यक्रम चलते रहते हैं और अभी हाल फिलहाल कोविड की महामारी की वजह से लोगों को थोड़ा सा पैसे की तंगी की वजह से और खाने पीने में इधर उधर नहीं खाने की वजह से ये एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हम राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई के अंदर लोगों को संस्था की तरफ से निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। इस कड़ी में इससे पहले हमने JLN हॉस्पिटल की रसोई में किया था, जहाँ पर करीब 600 लोगों ने भोजन किया था। आज बस स्टैंड परिसर में जो रसोई है, इंदिरा रसोई है, उसमें भी भोजन की व्यवस्था की गई है और सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक करीब 200-300 लोगों ने यहाँ पे भोजन किया है और शाम तक वही टारगेट 500-600 लोगों का रहेगा। तो ये संस्था की तरफ से आज चल रहा है, आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। संस्था का अभी इसी कड़ी के अंदर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करने का योजना है और ये संस्था, जैसा कि आप सबको पता है, कि सामाजिक संस्कार के और समाज सेवा के कार्यों में आगे से तत्पर रहते हैं। हनुमान नगर बिहारीगंज वाली बीना शर्मा के घर में एक सांप घुस जाने से परिवार के लोग भयभीत हो गए। सांप को पकड़ने के लिए उनके पड़ोसी चंदन शर्मा ने मिशन स्नेक बाइट डेट फ्री इंडिया के सर रक्षक विजय यादव को कॉल किया। यादव तुरंत मौके पर पहुंचे, तब तक सांप घर में गमलों के पीछे रखे पत्थरों के बीच छुप गया था। सर रक्षक यादव ने कुछ देर में सांप को ढूंढ लिया और सुरक्षित रेस्क्यू करके सांप के बारे में परिवार और पड़ोसियों को बताया। घोड़ा बछाड़ इसी को बोलते हैं। घोड़ा बछाड़ का मतलब ये नहीं है कि बहुत खतरनाक है, इसलिए घोड़ा बछाड़ बोलते हैं। घोड़ा बछाड़ इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि घोड़े से भी तेज दौड़ता है। अच्छा, हाँ, इसलिए घोड़ा बछाड़ है। ये कोई ऐसे
काटने का इसके फितरत नहीं है काटना। देखो आपके हाथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वामी टीवी। उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोपोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100।